ये फरे बन के तैयार हुए हैं और ये तीखी चटनी के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। और चटनी में नमक हल्का से तेज रखिएगा तो और भी अच्छा लगता है खाने में। और फरे गर्म ही गर्म अच्छे लगते हैं। देखिए गर्मा गर्म फरे बन के तैयार हो गए हैं। तो चलिए हम आपको इसकी पूरी रेसिपी दिखाते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल सिस्टर्स रेसिपी एंड लाइफ स्टाइल। आज हम बनाने चले चावल के फरे। इसको बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, बस आपकी दाल पहले से भीगी रहे, बहुत ही जल्दी झटपट बन के तैयार हो जाता है ये नाश्ता। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं चावल के फरे। ये देखिए एक कटोरी मैंने चने की दाल ली हुई है, इसको हम 4-5 घंटे के लिए पानी में भिगो देंगे। और एक कटोरी मैंने उड़द की दाल ली हुई है, इसको भी भिगो देंगे 4-5 घंटे के लिए। ये देखिए 4-5 घंटे के लिए दाल को भिगो दिया था बड़े बर्तन में करके, देख सकते हैं कि ये अच्छे से फूल गई है। अब इसको हम धुल लेंगे 3-4 पानी अच्छे से, और जितने इसके छिलके निकल पाएंगे उसको निकाल देंगे। ये देखिए चने की दाल भी फूल गई है अच्छे से, इसको भी 2-3 पानी धुल लेंगे अच्छे से, इसमें छिलका कम है, ये तो साफ़ है दाल। ये देखिए अच्छे से धुल लिए हैं उड़द की दाल को भी और चने की दाल को। अब इन सबको हम पीस लेंगे अच्छे से, दोनों को एक साथ पीस लेंगे। अगर आप ज़्यादा बनाते हैं तो 2 बार में पीसिए, अगर दाल ज़्यादा रहती है तो। अब इसी के साथ में ये लहसुन की कलियां हैं कुछ मैंने छील लिया है, उसको भी पीस लेंगे तो पीस जाएगा अच्छे से। ये देखिए दाल पीस गई है अच्छे से, ज़्यादा अधिक गीली नहीं करनी है कि पानी डाल के ज़्यादा गीली पीसेंगे तो फिर अधिक गीला हो जाएगा। ये देखिए सूखी सूखी है, ऐसे ही पीसना है आपको। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। देख सकते हैं कि ज़्यादा दाल गीली नहीं पीसे हैं, इसी में एक साथ पीस गया है चने की दाल, उड़द की दाल और लहसुन को भी मैंने एक साथ पीस लिया है सर। ये देखिए सारा मैंने निकाल लिया है। अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाला, ये देखिए 2 चम्मच, इसी में थोड़ी सी हींग, ये देखिए 1 चम्मच हींग लिया है मैंने। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे, थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही, ताकि हींग अच्छे से फूल जाए। सबको मिक्स कर देंगे अच्छे से, नमक नहीं डालेंगे, अगर नमक डाल देंगे तो दाल गीली हो जाएगी। अब इसको हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब चलते हैं आटा गूंथ लेते हैं। ये देखिए एक बड़ी कटोरी मैंने चावल का आटा लिया हुआ है, इसको पलट देंगे थाली में और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंथेंगे। ये हमारी मम्मी की रेसिपी है, हमारी मम्मी ऐसे ही बनाती हैं परे। तो मैंने मम्मी से ही बनाना सीखा है ये। चावल के आटे को भी जब गूंथती हैं तो इसमें भी नमक नहीं डालती हैं, ऐसे ही बनाती हैं। इसको ऐसे लोई बना लेंगे, अधिक गीला नहीं करना है। ये देखिए आटे को मैंने गूंथ लिया है अच्छे से, इसको लोई बना दिए हैं। ये चावल का आटा है, इसको हम 10-15 मिनट के लिए ऐसे रख देंगे तो ये अच्छे से फूल जाएगा, क्योंकि चावल का ये आटा है और अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इसको ढक के रख देते हैं 15-20 मिनट के लिए। ये 15 मिनट हो चुके हैं, अच्छे से फूल गया है ये आटा। एक बार और इसको ऐसे गूंथ देते हैं, देख सकते हैं आप ये गीला नहीं है बिल्कुल, ऐसे ही आपको रखना है। अधिक गीला रहेगा तो अच्छे से नहीं बनेगा। ऐसे ऐसे मसल देंगे।
अब इसको भी एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। हींग फूल गई होगी, अच्छे से मिला देंगे, अच्छे से मिक्स हो गया है। अब चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब एक भगोना लेंगे, इसमें पानी डाल देंगे और इसको प्री हीट होने के लिए रख देंगे। ये देखिए, ऐसे आटा लेंगे, थोड़ा थोड़ा लोई बनाएंगे गोली गोली, ऐसे ऐसे। अब इसको ऐसे ऐसे हाथों के सहारे से बड़ा करेंगे, ऐसे ऐसे बड़ा कर देंगे। ये देख सकते हैं आप कि ये ऐसे। अब इसमें हम ये जो स्टफिंग तैयार किए हैं इसको भर देंगे, ऐसे ऐसे इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। बिल्कुल भी बंद नहीं करना है, ऐसे ही रखना है। ऐसे ऐसे बना लेते हैं, ऐसे ही। फिर लोई लेंगे, ऐसे ऐसे गोल करेंगे, इसको ऐसे ऐसे धीरे धीरे ऐसे बड़ा करेंगे। बहुत ही आसानी से बड़ा हो जाता है ये ऐसे ऐसे, क्योंकि ये चावल का आटा है तो आराम से बन जाता है ऐसे ऐसे। ये देखिए, अब इसमें हम फिर ये दाल भर देंगे जो पीसा हुआ था। ऐसे करके फिर इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे, ऐसे ही बनाना है। इसको बिल्कुल बंद नहीं करना है, ऐसे ही रखना है। ऐसे ही सारे फरे बना लेते हैं। देखिए, सारे फरे मैंने बना लिए हैं। अब चलते हैं, इसको बनाना शुरू करते हैं। भगोने में भी पानी जो रखा हुआ था प्री हीट होने के लिए, प्री हीट हो चुका है। आज हम बनाएंगे इडली के स्टैंड में आपको दिखाएंगे फरे बनाना। वैसे तो भगोने के ऊपर कोई भी आप जाली वाली थाली रख के आप बना सकते हैं फरे। इसमें हम ऑयल लगा देंगे, रिफाइंड ऑयल। कोई भी जालीदार थाली रख के आप भगोने के ऊपर बना सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे से बन जाता है। और इस स्टैंड में दिखाएंगे, बहुत अच्छे से बन जाता है। जैसे आप इडली बनाते हैं उसी तरह इसको भी बनाएंगे। ऐसे ही ऑयल लगा देंगे। इडली का स्टैंड तो हर किसी के पास होता है, तो आप भी ट्राई करिएगा बनाना, बहुत अच्छे से बन जाता है। अब इसमें हम ये सारे फरे रख देंगे ऐसे। ऐसे ऐसे फिर दूसरा इसके ऊपर। बहुत ही जल्दी झटपट बन के तैयार हो जाता है। ये देखिए, सारा ऐसे ही बने, लगा दिया है। अब इसको हम रखेंगे भगोने में। ये देखिए, अच्छे से प्री हीट हो चुका है। मैं इंडक्शन में बना रही हूँ, आप गैस पे भी बना सकते हैं। बस गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा, जैसे इडली पकाते हैं उसी तरह ही। और इसको ढक देंगे 15 मिनट के लिए और पकने देंगे। बहुत ही अच्छे से पक जाता है भाप में। ये देखिए, 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार। आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। इसमें बहुत भाप निकल रही है तो जलने का भी डर रहेगा, पर ऐसे आप चेक करिए, ये देखिए बिल्कुल हार्ड हो गया है। इसके मतलब ये अच्छे से पक चुका है। अब इसको हम आग कर देंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, अभी बहुत गर्म है। इसको हम गर्म ही गर्म फरा खाने में अच्छा लगता है। इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे, सारे फरे को कपड़े के सहारे से इसको हम अलग कर लेंगे। देखिए, सब अच्छे से पक चुके हैं। जब आप देख लीजिए कि ये अच्छे से ये पक गया है, ऐसे देखिए, ये देखिए बिल्कुल भी दब नहीं रहा है, इसके मतलब ये बहुत अच्छे से पक चुका है। देखिए कितनी आसानी से निकल आया। इसकी दाल भी आप देखिए, बहुत अच्छे से, अभी बहुत गर्म है तो जलने का डर है। ये देखिए, बिल्कुल दाल भी बिल्कुल दब नहीं रही है, तो ये दाल भी अच्छे से पक चुकी है। ऐसे ही पकाना है। अब इसको हम निकाल लेते हैं।
अभी थोड़ा जल रहा है, थोड़ा ठंडा होने देते हैं। स्पून का सहारा लेंगे और ऐसे निकाल लेंगे, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। फिर खूब अच्छे से ये पक चुका है फरे हमारे सारे, ऐसे ही सब निकाल लेंगे। कितनी आसानी से निकल जा रहा है सारा, ये बहुत गर्म है। इसके साथ मैंने बनाया है धनिया और टमाटर की तीखी चटनी। तीखी की चटनी के ही साथ बहुत टेस्टी लगता है फरा। अब इसी तरह दूसरे भी फरे को ऐसे बना लेंगे, जो और बचा हुआ था उसको भी ऐसे ऐसे। देखिए गर्मा गर्म फरे बन के तैयार हो गए हैं। इसके साथ धनिया टमाटर की तीखी चटनी है, इसके साथ बहुत ही टेस्टी लगता है ये फरे खाने में। तो फ्रेंड्स, आपको ये हमारी रेसिपी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।